मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर स्वाति एंड टुडे विल डिस्कस द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू अरेंज की गई है, तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन एट और इज टेकन एट द 298 केल्विन, और ये इसकी वैल्यू आपकी 25 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी, विच इज 298 केल्विन। तो ये आपको यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, सब रिड्यूस्ड फॉर्म में गिवन है। मींस ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये आपका कौन सा है, ये या बेसिकली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, बिकॉज वैल्यूज आर गिवन इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की वैल्यू रिड्यूस फॉर्म में गिवन है 2.87, इन सब की वैल्यूज आपको रिड्यूस फॉर्म में गिवन है। फाइन, एंड इफ आई लुक एट द वैल्यू ऑफ हियर द हाइड्रोजन, जस्ट अ मिनट, here is the value 2H positive where the reduction value is what, 0। सो अब इस टेबल को किस तरीके से कंसिडर करेंगे? अब आप एक चीज़ देखिए, ये सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में है, तो अब ध्यान में बिठा लो कि आपको एक ही टर्म में सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू याद रखनी है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में गिवन है तो फटाक से इसे रिडक्शन में कन्वर्ट कर दो। सो अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के चलेंगे तो गलती नहीं होगी, अगर दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो हमेशा गलती रहेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम जो ले रहे हैं वो हम रिडक्शन फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि हम एक आयोपैक भी बोल रहा है कि कन्वेंशनली आप उसे रिडक्शन ही मान के चलें। तो रिडक्शन फॉर्म में जब आप ये वैल्यू स्टडी करेंगे तो आप किस तरीके से मान के चलेंगे कि कपल करेंगे जब हम दो एलिमेंट्स को, तो कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा? इन दैट केस यू हैव टू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंपेयरिंग विद द कंपेयरिंग इट विद द हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है, यहाँ वैल्यू आपको जीरो गिवन है, तो जीरो से ऊपर जितने भी आपके एलिमेंट्स रहेंगे वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, और जीरो से नीचे जितने भी आपके एलिमेंट्स मेंशन है दे आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। सो इट मीन्स जो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी आपके एलिमेंट्स गिवन है ये सारे के सारे एसिड से जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन गैस। और ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं या ऊपर वाली जो रिएक्शंस हैं बेसिकली ये जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगी तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगी, नो दे विल नॉट रिलीज द हाइड्रोजन गैस। फाइन, नाउ वन थिंग मोर, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव रहेगी, इट मीन्स वो वाला एलिमेंट या वो वाला मेटल उतना ही ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। ई नेगेटिव रिडक्शन जितना नेगेटिव होगा उतना वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव। जितना मोर रिएक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा वो कहाँ पे जाएगा, एनोड पे। सिमिलरली अगर आपकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना ही क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और लेस रिएक्टिव का मतलब है वो उसकी क्या होगी, उसकी रिडक्शन होगी, और वो कहाँ जाएगा, कैथोड, इट विल गो इन टू दी कैथोड। फाइन, सो अगर मैं सेल ड्रॉ करूँ यहाँ पे कॉपर का, एंड मैंने क्योंकि जिंक किया था पीछे जिंक का, तो जिंक और कॉपर में आई सेड दैट जिंक की रिडक्शन होगी। क्यों रिडक्शन होगी? बिकॉज जिंक की वैल्यू 0.76 माइनस में है, विच इज़ लेस देन जीरो, एंड कॉपर की वैल्यू इज 0.34 पॉजिटिव, विच इज़ मोर देन जीरो। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव में जाएगी उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, और जितनी कम वैल्यू नेगेटिव में जाएगी या जितनी ज़्यादा पॉजिटिव में जाएगी उतना वो लेस रिएक्टिव होगा। दैट इज़ वाई इन दैट केस जिंक की क्या हुई आपकी ऑक्सीडेशन, इसने बनाया एनोड, और कॉपर की क्या हुई रिडक्शन, और इसने बनाया, और ये इसने बनाया कैथोड। फाइन, सो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लेना। सो अगर आपको दोनों ही वैल्यूज इलेक्ट्रोड की नेगेटिव में गिवन है तो जोन से जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी, सपोज ये 0.34 माइनस है और ये -0.54 है, तो दोनों में से कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा? बिकॉज दिस इज मोर एंड मोर नेगेटिव, इट विल फॉर्म दी एनोड एंड दिस विल फॉर्म दी कैथोड, कपल जब होगा ये दोनों आपस में। फाइन, सिमिलरली दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव है, एक है 1.36 एक है 3.4, तो इन दोनों केस में अब कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो जितना लेस पॉजिटिव रहेगा, नाउ दिस इज लेस पॉजिटिव इट विल फॉर्म दी एनोड, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और दिस इज मोर पॉजिटिव सो इट विल फॉर्म दी कैथोड, ये लेस रिएक्टिव रहेगा। फाइन, सो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ये, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स रिड्यूस होने की टेंडेंसी। सो रिड्यूस होने की टेंडेंसी जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी रिड्यूस होने की टेंडेंसी, उतना ही वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। फाइन, सो बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें पोटेशियम की, यहाँ पे कितना नेगेटिव है, -2.93, सो यानी कि इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम है, बहुत कम है। रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स रिड्यूस होने की टेंडेंसी, हेयर रिड्यूस होने की टेंडेंसी फॉर पोटेशियम इज -2.93, इट इज़ वेरी वेरी लेस, इट मीन्स ये रिड्यूस होगा ही नहीं, ये ऑक्सीडाइज होगा। फाइन, तो भी ये कहाँ जाता है आपका एनोड पे। तो वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव गिवन है
रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में वो कभी रिड्यूस नहीं होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी इट मीन्स वो उतना ही अच्छा रिड्यूस रिडक्शन शो कर सकता है और वो कैथोड पे जाएगा। फाइन, सो नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। द लोअर द वैल्यू ऑफ ई नॉट द ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। जितनी ज़्यादा ई नॉट की वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसकी कैटायन बनाने की। वही चीज़ आ गई कि जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जितनी कम वैल्यू की मीन्स जितना ज़्यादा नेगेटिव जाएगी आपकी रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ही उसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो गई। और रिड्यूस होने की अगर टेंडेंसी कम होगी इट मीन्स वो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो कैटायन बनाएगा। एंड मेटल प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, बट मेटल्स अबव हाइड्रोजन कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। इट मीन्स जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं, जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे मैंशनड है आपको, या मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे मैंशनड है, वो सब के सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, दे वेन दे विल रिएक्ट विद द एसिड्स। बट जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो एसिड्स में से हाइड्रोजन गैस रिप्लेस नहीं करेंगे या रिलीज नहीं करेंगे। फाइन, सो आपको यहाँ इक्वेशन भी गिवन है कैल्शियम और कॉपर की। कैल्शियम के केस में इट इज़ पॉसिबल बिकॉज कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, बट कॉपर केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन आर नॉट रिड्यूस्ड बाय H2, बट ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मेटल्स प्लेस्ड अबव आयरन आर रिड्यूस्ड बाय H2। आप कह रहे हैं जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, जो हाइड्रोजन बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, वो मेटल्स की ऑक्साइड्स जो हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है, विच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, दे आर नॉट रिड्यूस्ड बाई H2, वो हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं होंगे। बट ऑक्साइड्स जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन से रिड्यूस हो जाएंगे। सो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स विच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, लाइक कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया या फिर जिंक का ऑक्साइड हो गया, दे आर दी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स विच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, दे आर नॉट रिड्यूस्ड बाई H2। बट ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव आयरन और अबव हाइड्रोजन, दे आर रिड्यूस्ड बाई H2। सो SNO, PbO, CuO, दे आर रिड्यूस्ड बाई H2। But CaO, K2, they are not reduced by H2. Why? Because tin, lead, copper, they are less reactive as compared to the hydrogen. If they are less reactive, obviously they will get reduced. But in case of calcium and potassium, they are more reactive as compared to the hydrogen ion. So if they are more reactive, so it means they will reduce the hydrogen. If they will not get reduced by the hydrogen. Next is the reducing character increases down the series. Jitna aap niche jayenge, reduction character utna hi aapka increase karega. फाइन, रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट वो उतना ही अच्छा होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को तो रिड्यूस करे बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द सीनरीज, जितना नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज करेगी। डिटर्मिनेशन ऑफ EMF, EMF इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। सो इट इज द RHS माइनस LHS और इट इज द कैथोड माइनस एनोड। इफ द वैल्यू ऑफ EMF इज पॉजिटिव द रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली अदरवाइज नॉट। अगर आपकी EMF की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग पावर विल बी मोर। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे बट इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। फाइन, ये पॉइंट्स ध्यान रखना। जितनी कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो खुद दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करे बट इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। सो मोर पॉजिटिव विल बी द वैल्यू, गुड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मोर नेगेटिव विल बी द वैल्यू, गुड विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शोज दैट इट इज़ द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, उसी की ही ऑक्सीडेशन होगी। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल्स हैविंग रिडक्शन वैल्यू बेसिकली ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0.79, जितनी भी ऑक्साइड्स मेटल्स की वैल्यू रिडक्शन वैल्यू 0.79 से बड़ी है, दे विल बी डीकम्पोज्ड बाई हीटिंग टू फॉर्म O2N मेटल। वो आपके हीट करने से डिकम्पोज हो जाएंगे और आपको ऑक्सीजन गैस देंगे और मेटल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मर्करी ऑक्साइड की बात करें तो इस केस में जो मर्करी की वैल्यू है दैट इज 0.79 वोल्ट। तो अगर उनकी वैल्यू 0.79 जितनी है या 0.79 से ज़्यादा है तो अगर आप उनको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे और मेटल को रिलीज कर देंगे। सो दिस इज दिस इन दिस टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।